बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? मेरा का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, जहाँ पे हम अपनी जो मेच्योर स्किन की स्किन केयर के बारे में बात करते हैं, टीन एजर्स की स्किन केयर के बारे में बात करते हैं, फीमेल्स मेल्स की स्किन केयर के बारे में बात करते हैं, तो क्यों ना हम अपने बच्चों की मतलब किड्स की स्किन केयर के बारे में बात करें। अच्छा, बहुत से लोग ना ऑफेंड हो जाते हैं, वो कहते हैं कि किड्स को तो किसी किस्म की स्किन केयर की ज़रूरत होती ही नहीं है, क्योंकि उनकी नेचुरली स्किन इतनी प्लम होती है, इतने वो क्यूट लग रहे होते हैं और वो इतने हाइड्रेटेड होती है उनकी स्किन, को उनको ज़रूरत नहीं होती है। बिल्कुल ठीक बात है कि उनको किसी किस्म की स्किन केयर की ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा, अगर हम देखें ना कि हम अपने बच्चों की कितने टाइम तक उनकी स्किन वैसे ही नेचुरली रहती है, तो वो आपको पता है 6 मंथ तक उनकी स्किन बहुत हाइड्रेटेड, बहुत प्लम रहती है, नेचुरली शाइन कर रही होती है। उसके बाद इतने ज़्यादा हमारी सोसाइटी में इन्वायरमेंटल इश्यूज़ है ना, कि उसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता बच्चे की स्किन डल होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो हमें क्या सबसे पहले स्किन केयर के बहुत ज़्यादा स्टेप्स नहीं है कि आप अपने बच्चों की स्किन पर अप्लाई करें, तो इंटरनेशनल स्किन केयर फाउंडेशन ने उन्होंने तो ये कहा है जी 6 मंथ से आप बच्चों को स्किन केयर करना शुरू कर दें और सनस्क्रीन मस्ट अप्लाई करना शुरू कर दें। लेकिन हम उनके स्टैंडर्ड को इस तरह फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि वो लोग बहुत ही यंग एज से, बहुत ही आफ्टर 6 मंथ वो बच्चों को स्विमिंग कराना शुरू कर देते हैं, बीचेस पे बहुत ज़्यादा जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी स्किन टैनिंग का उनको डर होता है, तो वो सनस्क्रीन अप्लाई करना शुरू करते हैं। हम देखें तो हम 2 साल से हम अपने बच्चे को अगर अच्छा सनब्लॉक लगाना शुरू कर देना, तो उसकी स्किन सही रहेगी। अच्छा, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जब मदर्स रेडी हो रही होती है, तो बच्चे उनकी स्किन केयर की जितनी भी प्रोडक्ट्स है वो साथ साथ अप्लाई कर रहे होते हैं, तो वो कुछ चीज़ें उसमें हार्मफुल भी होती है, केमिकल वाली भी होती है, जो बच्चों की स्किन के लिए सूटेबल नहीं होती। तो हमें बच्चों के लिए वही चीज़ लेनी चाहिए जो उनकी स्किन को सूट करे। अच्छा, उसके लिए मैं यहाँ पर एक लेकर आई हूँ, डर्मा शाइन का लेट्स ग्लो टुगेदर 50++ डॉट स्पेक्ट्रम SPF 50 किड्स सनस्क्रीन। अच्छा, ये स्पेशली बच्चों की स्किन को सामने रख के बनाया गया है। मैं कोई बहुत ज़्यादा 8-10 स्टेप्स नहीं बता रही हूँ जो बच्चों की स्किन केयर के लिए हमें फॉलो करना है। जस्ट आपने एक सनब्लॉक लगा लेना है जब भी बच्चे बाहर जाए, या जब से वो स्कूल गोइंग, पाकिस्तान में 3+ बच्चे जो है 3 ईयर से ऊपर जो है वो स्कूल जाना शुरू कर जाते हैं, आप तब से ही उनको स्किन केयर की आदत डालें। इसका फ़ायदा आपको क्या होगा, उस वक्त तो बच्चों की स्किन बहुत बहुत अच्छी होती है जिस वक्त वो स्कूल जाना शुरू करते हैं, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पोल्यूशन वगैरह की वजह से उनकी स्किन डल होना शुरू हो जाती है, टैनिंग होती है उनकी स्किन पे बहुत ज़्यादा, और हम कह रहे होते हैं बच्चे की स्किन ख़राब हो रही है, बहुत से बहुत हो गया, तो माएँ उनको मॉइस्चराइज़र लगा के स्कूल भेज देती है, कोई भी क्रीम लगा देती हैं, तो वो सब अगर आप स्किप करके सिर्फ एक सनस्क्रीन पे फोकस करें ना, तो इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि जो बच्चे बच्चियाँ 10 ईयर्स के बाद उनको एकदम से जो है ना वो एक्नी का इशू शुरू हो जाता है, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड का इशू शुरू हो जाता है, मोस्टली कॉमन है ये आजकल बच्चों में, जिसकी वजह से एकदम से बच्चे भी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि अभी तक तो हमारी स्किन अच्छी थी, अब क्या हो गया। अगर आप बच्चे जब स्कूल ना शुरू करते हैं तब से ही अच्छा सनस्क्रीन लगाएं और कोई चीज़ ना लगाएं, साथ एक कोई भी मॉइस्चराइज़र आप लगाना चाहते हैं तो लगा लें, बल्कि सनस्क्रीन ही ऐसा ले लें जिसमें मॉइस्चराइज़र एडिड है, तो आप बचे रहेंगे बच्चों के जो इश्यूज़ होते हैं स्किन के, एक्नी के या ड्राइनेस के, या बहुत ज़्यादा उनकी स्किन पर लेयर आ रही होती है टैनिंग की, उस सब से बचे रहेंगे। उसके लिए मैं बच्चों के लिए डर्मा शाइन का 50++ सनस्क्रीन लेकर आई हूँ। अब ये लोग क्या क्लेम करते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। कहते हैं कि जी ये जो सनस्क्रीन है ये फेस पर भी आप इजीली लगा सकते, ये अपने बच्चों की बॉडी पे भी लगा सकते हैं, ठीक है, आप ये आपको 24 और हाइड्रेशन भी देता है, 24 घंटे तक आपकी स्किन को किसी किस्म के मॉइस्चराइजर की जरूरत नहीं रहती, ठीक है। आपकी स्किन के अगर जो थोड़ी सी बच्चों को रेडनेस का इशू होता है वो सूथ करती है ये, ठीक है। इसके अलावा ये यूवी रेस से आपको प्रोटेक्ट भी करती है, और सबसे मजे की बात है कि ये वाटर रेजिस्टेंट है, कि आपका पानी भी आपके फेस पर गिर जाए तो उससे कोई इसको फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, आप ये बॉडी पर भी आराम से लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने ये क्यों बाय किया था कि उसकी मुझे बहुत अच्छी लगी थी चीज़ें, तो मैंने घर में लेकर आई, मेरी बेटी 6 ईयर की, उस पर अप्लाई करना शुरू किया, तो दिनों में उसकी टैनिंग खत्म होना शुरू हो गई और वो बहुत इसके साथ कंफर्टेबल है। अच्छा, बहुत लाइट वेट फार्मूला है बच्चों के लिए, उसमें कोई केमिकल हार्मफुल एडिड नहीं है कि आपके बच्चों की स्किन को ये डैमेज करेगा, आप आंखें बंद करके इसको बाय कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात मुझे इस प्रोडक्ट की लगी है कि ये बहुत ही अफोर्डेबल है, रीजनेबल अफोर्डेबल ब्रांड है, डर्मा शाइन है, और इसके जो 200 ml यहाँ पे अगर आपको नज़र आ रहे हैं, 200 ml की अच्छी खासी बड़ी ट्यूब है, और ये कितने की है गैस करें जी, ये बहुत सस्ती है, ये 425 रुपये की, 425 रुपीज़ की ये ट्यूब है, जो कि अच्छे खासे टाइम के लिए चल सकती है, ठीक है। यहाँ मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूँगी, यहाँ पर एक्सपायरी मैंशन है, 2025 की इसकी एक्सपायरी है, और ये lipkara.com पे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहाँ से आप इंस्टाग्राम के पेज पे जाके आराम से बाय कर सकते हैं। ये जिनका बारकोड स्कैन है यहाँ पे आप स्कैन कर ले, ओरिजिनल प्रोडक्ट है,
कोई फेक प्रोडक्ट नहीं है और बहुत ही अच्छी है बच्चों की स्किन पे। आपके अगर माशाल्लाह 2 या 3 बच्चे हैं तो आप उन्हें लेके आराम से 2-3 महीने आप इनके गुजार सकते हैं, कोई मसला ही नहीं है। और 425 में क्या बुरा है। और मैं आपको बताऊं, जब भी आप डर्माशाइन की कोई प्रोडक्ट बाय करते हैं, मैंने तो जब भी बाय किया यहाँ पर, वो मुझे कोई ना कोई इसके साथ फ्री गिफ्ट भी देते हैं। अच्छा जी, ये मुझे इसके साथ फ्री मिला था। आप फेशियल करते हुए इसके साथ अच्छी तरह अपने हेयर टाई कर सकते हैं। और इसके अलावा जो एक और ज़बरदस्त मुझे इनकी बात लगी वो ये थी कि ये इनके डिलीवरी चार्जेस बिल्कुल भी नहीं। अगर ये 425 का है तो ये इतने ही प्राइस में आपको मिलेगा विदाउट एनी डिलीवरी चार्जेस। तो ये मैं आपको यहाँ से खोल के दिखा देती हूँ। इसकी थिक कंसिस्टेंसी है। अच्छा, आपने जब भी सनस्क्रीन अप्लाई करना है, मैं पहले भी बहुत दफ़ा आप लोगों को गाइड कर चुकी हूँ कि आपने सनस्क्रीन थोड़ी ज़्यादा अमाउंट में आपने लगाना है, बहुत थोड़ा सा नहीं लगाना है, ठीक है। इसको इस तरह आपने लगाना है, अच्छी तरह अपनी स्किन पे एब्जॉर्व कर लेना है और फिर आपने बच्चों को स्कूल भेज देना है या वो कहीं खेलने पर जा रहे हैं, पार्क जा रहे हैं, प्ले एरिया जा रहे हैं, तो उनके लिए ये 100% रिकमेंडेड है। बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, आप बाय करें और मुझे इसका फीडबैक देने ना भूलें। ओके जी, साथ साथ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।